कुंभ राशि, आग की तरह जल उठोगे, अंधकार जीवन प्रकाशमय होगा। जानते हैं 10 नवंबर का कुंभ राशि फल कैसा रहेगा विस्तार से। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी अंधकार जो भी बना हुआ है वो जो कि प्रकाशमय होगा, उसमें अब जान आने वाली है। जो भी आपका जीवन यानी कि एक समान चल रहा था उसमें एक नई जान आने वाली है और आपका जीवन अब बहुत ही जबरदस्त आगे बढ़ता चलेगा। हर एक बात को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ यानी कि खुशखबरियां किस तरह की मिल सकती हैं, कौन से बातों का ध्यान रखना है, धनराशि पल, लव राशि पल, करियर राशि पल और आखिर में आपका स्वास्थ्य राशि पल कैसा रहेगा, हर एक बात को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेनिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले, ताकि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दिन आपके लिए अच्छा फल देने वाला है। किसी भी प्रकार की उथल पुथल होने की कोई संभावना नहीं बन रही है। दिन शांति के साथ गुजरेगा। आज आपको लग सकता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका एहसास आपको पहले से ही है। आज बहुत सी चीजों और बातों को लेकर आपको यह लग सकता है कि यह सब आपके साथ पहले भी घटित हो चुका है। आज लोगों में आपका सम्मान बना रहेगा। आज आप किसी को पैसे उधार देने के लिए नहीं मानेंगे। आज आप अपने मित्रों और साथियों के विचारों से सहमत नहीं होंगे। आज शाम का समय अपने से उम्र में बड़े किसी पुरुष मित्र के साथ बीत सकता है। निजी मामलों में कोई स्थायी फैसला आज लेना पड़ सकता है। दोस्तों, आज आपका धैर्य आपका बहुत साथ देगा। आप धैर्य से जो जो कार्य करेंगे उसमें सफलता देखी जा सकती है। रोजमर्रा के काम आज आसानी से पूरे होंगे। आप अपने काम करने के तरीके से अपने आसपास के लोगों को खुश कर सकते हैं। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में आप अपने आप को दुखी और परेशान महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों की और विशेष ध्यान देना होगा। अधिक खर्च के कारण मन बेचैन हो सकता है। अपने दैनिक खर्च को कम करने के लिए आज आप कई बार प्रयास भी करेंगे। किसी बात पर मित्रों के साथ अनबन हो सकती है। यदि आज आपका अपनी जीवन साथी या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ कोई अनबन होती है तो इसमें तुरंत समझौते के लिए आपको पहल करनी होगी, क्योंकि अनबन करने से या फिर विवाद बढ़ाने से जो कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी और आपके बीच में जो भी संबंध था, जो भी नज़दीकियाँ थी वह दूर होती हुई जाएगी। इससे नुकसान आपको ही होगा। मतभेद जो कि गलतफहमियां हैं उनको बैठकर शांति से दूर करेगा। दोस्तों, आप बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। आज किसी समस्या का समाधान करने के लिए अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज कई बार परिस्थितियां आपके आपे से बाहर हो सकती हैं, परंतु बाद में उनमें धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। आज आपके मन में मकान बदलने या फिर स्थान बदलने के बारे में विचार आ सकता है। इस बारे में आप किसी से राय भी ले सकते हैं। आज आप कई तरह के दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहे, अन्यथा कुछ लोग आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। किसी बात को लेकर आज मन में बेचैनी और घबराहट भी हो सकती है। आज अपने आक्रामक स्वभाव को नियंत्रण में रखना होगा। जो काम आपने मन में सोच रखे हैं उन्हें आप जल्द ही शुरू कर लें। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कि 10 नवंबर के दिन आग की तरह किस तरह से जल उठोगे और अंधकार जीवन में प्रकाश कैसे आएगा। दोस्तों, आग की तरह जल उठने से आप अपने कार्य क्षेत्र में हो या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में हो या फिर आपका खुद का व्यवसाय है, उसमें जो जो लोग गलत कर रहे हैं, जो जो लोग आपके दयालुपन का फायदा उठा रहे हैं, उन पर आप आक्रोश हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में उनकी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम होने वाली थी वह टल जाएगी। अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो वे लोग गलत करते ही रहेंगे, यानी कि आपके व्यवसाय में हो या फिर आप कहीं कार्य करते हो तो वहाँ पे हो। इससे क्या होता है कि आपकी मानहानि हो सकती है, साथ ही धन का घाटा भी हो सकता है।
तो आज के दिन उन पर अगर आप आक्रोश होकर उनकी उनके ऊपर आग की तरह जल नहीं उठेंगे तो बड़ा नुकसान होना संभव है। इसलिए आज आप उनके ऊपर आग की तरह जल उठोगे, जिससे कि आपके अंधकार जीवन में प्रकाश फिर से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप बात करते ही कि आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आज लोगों की नजरें आप पर ही हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। आपकी केयर टेकर या माँ की तरह की स्त्री को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। प्राकृतिक, कृषि या मिट्टी से संबंधित कामों में दिलचस्पी दिखाएंगे। अभी वाहन खरीदते समय सावधान रहें। आज आप नई योजनाएं बनाएंगे। नई और अप्रत्याशित घटनाओं से आपके मन में नए विचार आना स्वाभाविक है। अचानक किसी यात्रा का भी योग बन रहा है। घर में किसी मुश्किल से सामना हो सकता है, लेकिन आप स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। दोस्तों, आप बात करते हैं आपके लिए करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अपने नजदीकी लोगों से बेकार की बहस में ना पड़े। इस समय छोटे मोटे झगड़ों की आशंका है। जो भी बोले सोच समझ कर ही बोले। अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर ही करें। कूटनीति से पेश आए, इससे आप अनचाहे तनाव से बच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिए लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। इस समय आपका दिल आपके बस में नहीं है और आप लगातार किसी स्पेशल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अभी आपकी इच्छा शांति से अपनी भावनाओं का इजहार करने और चीजों को खास बनाने की है। बस घरेलू मामलों या फिर मां के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। अपने लव लाइफ में आज एक नया मोड़ आने वाला है, जिससे आप दोनों के बीच की घनिष्ठता बढ़ेगी। घरेलू जीवन में कुछ चिंता से पल आ सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए अच्छी तरह तैयार हैं। रिश्ते में गलतफहमियां कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु उन गलतफहमियों से अपने रिश्ते में कोई अंतर ना आने देना बड़ी बात है। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आज आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, इसलिए खुद पर शारीरिक श्रम और तनाव कम रखें। आज आपकी मांसपेशियां या फिर जोड़ों से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए हल्का सा व्यायाम जरूर करें। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आज का आपका कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस चैनल पर हर रोज इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी, जो कि आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियों का समाधान हल इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। अगर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करके आपके जीवन में आ रही सभी प्रॉब्लमों का हल चाहते हैं और शादी किससे होगी, कब होगी, कहाँ होगी और शादी के लिए कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, वहां पर कॉल करें या फिर व्हाट्सअप मैसेज करें, रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।